उसको पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया कि ठीक है भाई ये ड्रेस है। उसके बाद भी कहीं मैं इधर से मोटा तो नहीं दिख रहा हूँ, मैं इधर से ऐसा तो नहीं। आसान भाषा में माँ बाप को पका देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और हमारे ऑफिशियल चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के कॉन्फिडेंस को लेकर। आजकल ये एक पेरेंट्स ने काफी बोला है कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो हो गया, या बच्चे ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल के लिए टीचर भी उनको बोल रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कॉन्फिडेंस लेवल लो होना क्या होता है, क्यों होता है, और क्या ऐसे 5 सिम्टम हैं जो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का कम हो गया। तो ये होता क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, पुअर कॉन्फिडेंस है बच्चे का, डिससेटिस्फेक्शन है बच्चे में, तो ये है क्या, इसको आज समझते हैं। और जो भी हमारे वीडियोस होते हैं वॉल पे, और ये भी वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसको एज ए इंफॉर्मेशन लें। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम दिखते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लें, खुद डॉक्टर राम ने, दैट इज माय सजेशन। चलते हैं इस पे, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम ये वीडियोस के थ्रू आपसे जुड़े रहें और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। तो 5 ऐसे पॉइंट जिससे मैं बताने जा रहा हूं बच्चे का कॉन्फिडेंस कम है उस पे चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कैन नॉट गो अलोन। बच्चा अकेले कहीं जा नहीं सकता। जा नहीं सकता का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को बोला आपने नीचे दुकान है जा दूध ले, नहीं जाएगा। बच्चे को बोला जा तू मार्केट से एक खरीद ला, नहीं जाएगा। आइसक्रीम उसको बहुत पसंद है, वो आपसे लड़ता रहेगा आइसक्रीम दिलाओ आइसक्रीम लाओ आइसक्रीम लाओ, बट खुद नहीं जाएगा। और अगर वो जाने को तैयार भी हो गया तो कम से कम 1 घंटा लगा देगा सिर्फ नीचे तक जाने के लिए ड्रेस पहनने में। तो हमें क्या लगता है, इंट्रोवर्ट है, ऐसा है, हमारा बच्चा थोड़ा शाई है? नहीं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। और ये सारे ना बहन भाई है डिप्रेशन के, ऐसा समझिए ये पहली स्टेज है। अगर ये कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाएगा तो धीरे धीरे वो डिप्रेसिव होता जाएगा, तो ये हमें समझने की जरूरत है। और जो भी आप काम बोलोगे उसे वो काम को अवॉइड करने की कोशिश कर, ये काम कर ले नहीं करना। जैसे आपने बोला अरे भाई तू नहा ले, हाँ हाँ मैंने गीजर ऑन कर दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बस वो ऑन ही है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया बच्चे का, आपको ऐसा समझना चाहिए। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, कैन नॉट से नो। बच्चा नो ही नहीं कह पा रहा, और अगर स्कूल में है टीचर ने कुछ बोल दिया जो काम आपको लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएगा ड्यू टू सम अदर अफेयर, जो भी घर में काम है, बट वो हाँ करा है, आप लगे हो सारा परिवार उस काम को करने में, या उसकी कॉपी किसी को लेगा कोई दोस्त, अब वो पीछे पीछे घूम रहा है भाई मेरी कॉपी दे दे मेरे को काम करना है, तो आप पूछ रहे तूने दी क्यों, मम्मी तो होती है ना आजकल चप्पल उठा लेती है, अरे तूने दी क्यों, उसने दी इसलिए कि उसका कॉन्फिडेंस लो है, वो मना नहीं कर पाता। तो हाँ किस लिए कर रहा है, हाँ वो इसलिए कर रहा है कि इसी बहाने वो उनमें दोस्तों में झलक हो पाए, दोस्तों में थोड़ा सा एंट्री दिखा पाए, लीडरशिप की कोई क्वालिटी ले पाए, बट वो ऐसे आएगी नहीं। और दूसरा ये है कि उसको कोई चीज जरूरत नहीं है। मार्केट गया आपके साथ, मेरे को ये खरीदना है, आपको लग रहा है जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजली पेरेंट्स जो है ना वो अच्छे से गेज कर लेते हैं कि बच्चे के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है। पेरेंट्स से अच्छा कौन गेज कर सकता है, लेकिन वो चीज खरीद लाएगा फिर पहनेगा नहीं, खाने की चीज ले आएगा खाएगा नहीं, और फिर आप कहेंगे तो ऐसे ही है इसकी नेचर ऐसी है, ऐसी नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, आपको उसमें उसको हेल्प करनी चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट है नीड अप्रूवल फ्रॉम द अदर्स। अगर उसको किसी पार्टी में जाना है तो 10 ड्रेस के ढेर लगा दें। मैं बहुत ही आसान एग्जांपल से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, ताकि ये चीजें साइकोलॉजिकल चीजें आपको समझ आए, क्योंकि ये थोड़ी टफ होती है, इनको समझना थोड़ा टफ होता है, तो दैट्स बेटर कि आपको धीरे धीरे समझ आ जाए और आप अच्छे से अपने बच्चों को अपनी फैमिली को ठीक कर पाए।
तो ये नीड अप्रूवल मांगेगा कि वो 10 ड्रेस है उसने निकाली, एक ड्रेस पहनेगा, एक उतारेगा, एक पहनेगा। आपको अरे भाई लेट हो रहे हैं तो कुछ भी पहन ले, चल तो ठीक लग रहा है। नहीं नहीं अच्छा से देख के बताओ, और आपने बताया नहीं ये वाले भी नहीं, ये वाले भी देख के बताओ। तो हमें लगता है बच्चा चूजी हो गया, चूजी नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस शेक हो गया उसका, उसको कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो क्या पहन के जा रहा है। और टी शर्ट हो गई आस फ्रॉम अदर, ठीक है मैं कैसा दिख रहा हूं। और अच्छी बात, जब उसको सेटिस्फेक्शन भी हो गया, मोर ओवर उसको पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया कि ठीक है भाई ये ड्रेस है, उसके बाद भी कहीं मैं इधर से मोटा तो नहीं दिख रहा हूँ, मैं इधर से ऐसा तो नहीं दिख रहा हूँ, मेरी कोई भी ऐसा इनर कपड़ा तो नहीं बाहर दिख रहा है, बल्कि डिफरेंट टॉक करने की कोशिश करता है बच्चा। और पूरी जर्नी में जैसे कहते हैं ना आसान भाषा में माँ बाप को पका देता है। अब बोल नहीं पाते वो, बस अगर उस बच्चे की जगह पड़ोसी होता है ना तो उसका सर और इनकी चप्पल हो। चलते हैं अगले पॉइंट पे, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं चीजों को डिले कर देना। हर काम को उस लेवल तक लेके आना कि जब तक वो बिल्कुल गले से ऊपर ना हो जाए। मैडम ने दिया होमवर्क, अरे भाई तुझे होमवर्क करना है, अब एक हफ्ते की छुट्टी है, तो 5 दिन उसने कोई काम नहीं किया, छठे दिन उसने चिल्लाना शुरू कर दिया मेरा होमवर्क पड़ा है। तो आपने कहा भाई तुम्हें 15 दिन से पता है छोटा सा फंक्शन है और तुम्हें बात पता है, मेरे को नहीं जाना उस फंक्शन, मेरा काम पड़ा है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अरे वैल्यू है भाई, 5 दिन क्या किया तुमने। वो चीजों को डिले करता है। और जो मैं एक एग्जांपल उसी को मैं बढ़ाता हूँ जो आसान एग्जांपल है, अगर उसने घर में नहाने के लिए गीजर लगा दिया और गीजर 4 घंटे से चल रहा है, ना तो वो किसी को बाथरूम में घुसने देगा और ना कोई घुसेगा, तो ना तो आप जा सकते कि चलो मैं नहा लूं, नहीं मेरे को नहाना नहाएगा नहीं। तो चीजों को इतना लंबा लेके जाएगा कि आपको इरिटेशन होने लगेगी और फिर वो जब वो काम करेगा उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखेंगे। इतना कंफ्यूज रहेगा कि आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, हमारा बच्चा कंफ्यूज कैसे। तो होप ये क्लियर है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। आइसोलेशन, फिर जब वो कंफ्यूज हो जाता है ना तो चीजों को ऐसे समझने लगता है, अरे यार ये क्या है, लोग मेरे को समझते नहीं है, मेरी बात ही किसी की समझ नहीं आ रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब आप और परेशान, भाई हम तो तुमको अच्छे से समझ रहे हैं, नहीं वो नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि 90% केसेस में वो आपको मना करता रहेगा कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना, पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना और बस टीवी देखना, कोई भी सोशल मीडिया पे लगे रहना, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी करेगा आइसोलेशन में। और आइसोलेशन में जो थोड़ा सा बढ़ जाता है ये लो कॉन्फिडेंस, तो लॉक करने लग जाते हैं बच्चे, तरह लॉक करके आपको लगता है पता नहीं वो कौन सा रामायण प्रवचन कर रहा है, बट वो लॉक करते बैठा रहता है कुछ नहीं करता। तो ये कुछ सिम्टम है मैंने बताए हैं आपको लो कॉन्फिडेंस के, अगर ऐसे कुछ सिम्टम दिखते हैं तो प्रोफेशनली आप जरूर किसी बात करिए, और किसी आपके बच्चे में है तो डेफिनेटली आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, आप यूट्यूब वॉल पे हमारे क्वेश्चन लिखेंगे अगर एक्सपर्ट मिलकर कहा से। तो होप ये क्लियर हो गया होगा लो कॉन्फिडेंस कैसा है। जल्दी हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।